शांति एक बार फिर से एस जयशंकर को मिली है और विदेश मंत्री ने पद संभालते ही चीन को सबक सिखाने के लिए कड़ा कदम भी उठाया है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को काउंटर करने के लिए भारत अब तिब्बत की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने जा रहा है। भारतीय सेना जल्द ही जगहों की लिस्ट के साथ चीन के साथ LAC का नया मैप जारी करेगी। दरअसल चीन ने अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले थे। चीन की सरकार इन इलाकों को अपना क्षेत्र बताती है और अब ड्रैगन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। तिब्बत के इलाकों के लिए काफी रिसर्च की गई है। भारतीय भाषा में पुराने नामों को आधार बनाकर इन जगहों के नए नाम रखे गए हैं। भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन को इलाकों के नाम बदलने का जिम्मा सौंपा गया था। ये वही डिवीजन है जो गहरी रिसर्च के बाद चीन की तरफ से रखे गए अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में नए नामों को भी खारिज करती है। ये बड़ा फैसला भारत सरकार का, नाम बदले जाएंगे तिब्बत में कई जगहों के। 40 ऐसी करीब जगहें होंगी जिनका नाम बदलने को लेकर बाकायदा सभी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से मास्टर प्लान बनाया गया है। तिब्बत में 30 से 40 जगहों के नाम बताया जा रहा है कि बदले जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल अप्रैल के महीने में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदले गए थे, उसी के जवाब में ये बड़ा कदम भारत सरकार उठाने जा रही है। जाहिर है ड्रैगन के लिए चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा, चूंकि तिब्बत के इलाके पर अपना दावा चीन करता है। अरुणाचल प्रदेश के जिन इलाकों के नाम चीन ने बदले हैं उस पर भी दावा उसकी ओर से किया जाता रहा है।